फाइनली दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ क्या हुआ है अभी पिछले 10 दिनों में। दोस्तों, 20 तारीख को मेरे को एक ईमेल प्राप्त हुआ था। आप लोगों को मैं स्क्रीन पर ले चलता हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे। 20 तारीख को मुझे ईमेल मिलता है कि आपका जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है जो मोनेटाइजेशन का, उसका आपने उल्लंघन, उसका जो पॉलिसी है उसको आपने सही तरीके से नहीं किया है, उस पॉलिसी का उल्लंघन किया है। आपका मोनेटाइजेशन जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है वो आपका डिसेबल कर दिया जाता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखिए, मेरे को ईमेल प्राप्त हुआ। और फिर आज ही दोस्तों सुबह 4 बजे मैं जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे अपना मोबाइल नेट ऑन करता हूँ और वहां पर देखता हूँ कि मैं ईमेल नहीं चेक करता हूँ, मैं डायरेक्टली अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ। वहां पे जैसे देखता हूँ कि एक हमें वीडियो एडिटिंग करने में वहां पे क्या मुझे कमेंट का रिप्लाई करना था, तो मैंने वहां पे देखा कि मुझे क्या मोनेटाइजेशन ऑन का ऑप्शन दे दिया गया। तो फाइनली मैं जाके फटाफट ईमेल पे गया। ईमेल मैंने, मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पे 30 डेज दिया गया था। जो चीजें गलती की गई थी, मैं फिर जो अपने इसरार भाई है, टेक्निकल इसरार, उनका वीडियो देखा था क्या क्या सारी चीजें गलती करना। तो वहां पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में वगैरह लिखते हैं, जैसे ठीक है, जैसे मैं अपने वर्ग 3 या MPTT रिलेटेड अपना चैनल है एजुकेशन रिलेटेड, तो MPTT CTET डे के हम क्या कामा लगा देते हैं। ठीक है, वो कामा हमें डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाना, ये चीज हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज, और आपको टैग में हैशटैग नहीं ऐड करना, ये चीज आपको कतई नहीं करना है कि, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हैं ये चीज आपको ध्यान पूर्वक करना है। ठीक है, क्योंकि आपको भी जैसे मैंने तकलीफ उठाई है, मेरे को दर्द हुआ है, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक यूट्यूबर के लिए 2-3 महीने आपको पैसा मिलने लगता है, इसके बाद मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाए तो मतलब होता है आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने के बराबर जैसे होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा था 30 दिन जैसे मुझे स्क्रीन पर, पहले चलते स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए क्या क्या सारी चीजें प्रोसेस हुई है मेरे साथ। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक 21 तारीख को, ये आपको देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेल आपको दिखा देता हूँ क्या कैसे मेरे को मेल प्राप्त हुआ यूट्यूब की तरफ से। देखिए, यहाँ पे मेरे को मेल आया था कि हाय जयसवाल कोचिंग सेंटर, ड्यूरिंग रिसेंट रिव्यू आवर टीम ऑफ पॉलिसी स्पेशलिस्ट केयरफुली लुक्ड ओवर द वीडियोज दैट योर अपलोडेड टू योर चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर। वी फाउंड वाट आ सिग्निफिकेंट प्रमोशन, या आपका क्या लिखा हुआ है, पर्सन ऑफ योर चैनल इज नॉट इन लाइन विथ आवर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी। यानी जो उसकी यूट्यूब की जो पार्टनर प्रोग्राम की जो पॉलिसी है मोनेटाइजेशन की, उसका आप उल्लंघन किए हैं, तो ये सारी चीज़ें दिया गया था। तो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया गया था कि व्हाट माई यू विल बी एबल टू रिप्लाई फॉर यू टू पार्टनर प्रोग्राम 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर आपको क्या है, फिर आपको 30 दिन के बाद, ठीक है, इन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर आप जो चीज़ें यहाँ पे उल्लंघन किए हैं उसको आप डिलीट कीजिए, या उस वीडियो को डिलीट कीजिए। इसके बाद जब आप डिलीट कर देंगे, 30 के अंदर फिर से आपका मोनेटाइजेशन जो है पार्टनर प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करना कि आपको अपलोड एडिट डिलीट वीडियो कीजिए, रीड रिस्पोंड, ये सारी चीज़ें कमेंट कीजिए क्या क्या चीज़ें आपको गलती हुई है, और इसका जो, ठीक है, पॉलिसी है, आपने किस पॉलिसी का उल्लंघन किया है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये यहाँ पर भी दिया गया था कि ये सारा रूल आपको लागू होगा कि 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 वॉच घंटे आपको लागू होगा, तभी आपको मोनेटाइजेशन जो है, ठीक है, फिर से आपको ऑन कर दिया जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे रिप्लाई भी कर दिया था आपको। दोस्तों, पता है कि मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाना, यानी कि सभी लोग जानते हैं कितना बड़ा धक्का पहुँचता है। ठीक है, और फाइनली दोस्तों, आज ही सुबह मुझे ईमेल प्राप्त हुआ कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वह फिर से ऑन कर दिया जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अभी सुबह ही मॉर्निंग 4:15 में मेरे को ईमेल यहाँ पर मिला था, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से, कि आपको फिर से पार्टनर प्रोग्राम को जो है उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों, आपने स्क्रीन पर देखा है सारी चीजें ये हुई हैं, और मुझे था कि चलो 30 दिन तक हो जाएगा, तो लेकिन मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा है दोस्तों। ठीक है, 5 मिनट थोड़ा तकलीफ हुए है, रोया भी, 5 मिनट बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि 1 साल 1.5 साल के बाद ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, आपको पैसे मिलने लगता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मदद मिलती है आपके जो फ्यूचर के लिए, आप कुछ प्लान होता है तो वो चीज आप कर सकते हैं, कि अगर चलिए कुछ फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, फ्यूचर है हमारा यूट्यूब में। तो थैंक्स यूट्यूब के लिए, थैंक्स यूट्यूब टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और थैंक्स बोलता हूँ कि आपका सपोर्ट है दोस्तों।
और अंत में एक चीज कहूंगा, मेरे सभी प्यारे मित्र जितने यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर आपके हैं, अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है और आगे ये प्रॉब्लम ना हो तो ये वीडियो जरूर आप देखते रहिए और हमारे चैनल को फॉरवर्ड करते रहिए। और अंत में दो बात कहना चाहूंगा दोस्तों, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का दोस्तों, आप लोगों का सहयोग की वजह से सारी चीजें हो पाती हैं और हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमारा मोरल है, वह दोस्तों है शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे।